माफ कर रहा विकास की आवाज है, आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बताइए कि आपकी आवाज खराब भी आ रही है। मेरी अच्छी सी आवाज नहीं है, कोयल से तेरी बोली आवाज अच्छी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कोयल से क्यों कंपेयर कर रहे हो सर, नाइट एंगल जो है आपके आवाज हो। हम लोग देखिए पॉजिटिव डिविएशन, सारे लोग सुने पॉजिटिव डिविएशन, वहां लोग अपना एनालाइज कर लिया था। तो पॉजिटिव डिविएशन के काम पर कॉमन इंट्रैक्शन भी हो जाएगा। आपने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सॉल्यू सॉल्वर इंट्रैक्शन पहले का और बाद का सेम हो जाए तो वो आइडियल है। अगर सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर को अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो निगेटिव डेविएशन होगा। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स होने के बाद अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक हो जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। सारे पॉइंट को लिख दिया था। अब आइए एक एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ही मशहूर एग्जांपल है और एथेनॉल सारे लोग लिखना शुरू करें। आपको मालूम है कि एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एथेनॉल मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे साइक्लोहेक्सेन मिक्स करेंगे ये मॉलिक्यूल के बीच में आएगा। तो एक एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ फिर मैं शॉर्ट कुछ समझाऊंगा। सारे लोग लिखना शुरू करो। एथेनॉल मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो इंटर मॉलिकुलर फोर्स पहले स्ट्रॉन्ग था। व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज मिक्स्ड when cyclohexane is mixed then it tends to occupy the position between ethanol molecule due to which उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरों के इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीक। यही देखो रीजन लिखा दिया गया बिकम्स वीक। अच्छा बिकम्स वीक तो क्या लिखेंगे एन एक्सर्ट हाई वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हाई, इसलिए पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डिविएशन में यही चीज लेना है कि मिक्स जैसे मिक्स किया इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक हो गया तो हम कहेंगे पॉजिटिव डिविएशन। दीपक कुमार समझ में आ रहा है? हाँ, जिसका भी कुछ छूटा हुआ हो तो आज ही के दिन 8 बजे आए एनवी श्रीलंका मेडिकल आर्ट होगा। चलिए एक एग्जांपल को मैंने डिटेल में समझा दिया कि आपको स्कूल बोर्ड लेवल पर भी आए कि कैसे लिखना है तो ये आ गया। और पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल को याद रखने के अब मैं टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। और आप लोग धीरे धीरे गुरु दक्षिणा टिप्स भी जमा करते रहे तो पढ़ाने में और मजा आएगा। धीरे धीरे गुरु दक्षिणा गुरु को दक्षिणा देते रहे। वेरी गुड, लिख लिया सारे लोगों ने? बोलिए सारे लोग जल्दी बोलिए। बाहर खान समझ में आया? शिरीन शिरीन को आया कि नहीं समझ में? जल्दी बोले। यस सर आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब आइए इसके अलावा
हम पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल को कैसे याद रखेंगे? तो देखो इसमें तीन चार ट्रिक्स याद करना, एग्जांपल और एक एक एग्जांपल को मैं समझाऊंगा वापस। अच्छा ये बताओ, ये बात तो सबको क्लियर हो गई ना कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक हो जाए तो वो पॉजिटिव डिविएशन होगा, ये बात माइंड में रखना है। अब आप इसको एग्जांपल को पहचानने का पहला तरीका और सुनो, देयर इज, लिखना देयर इज ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सपेंस ऑफ एसोसिएशन। जब भी ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में एक्सपेंस ऑफ एसोसिएशन हो और समझ जाओ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है, देयर इज ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। वहां से सुनो, इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ब्रैकेट में लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्ड इन टू लिक्विड। और से सुनो, दो लिक्विड है, प्लीज लिखना मत, ध्यान देना। और से सुनो, दो लिक्विड है जैसे वाटर एंड अल्कोहल। और से सुनो, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी है। तो देखो जैसे वाटर में जानते हो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। जैसे ही अल्कोहल को वाटर में मिक्स करोगे तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड में ग्रेटर का डिफरेंस है। तो जैसे मिक्स करोगे तो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा। तो कोई भी पूछे अल्कोहल वाटर एंड अल्कोहल क्या है ये, तो कहो पॉजिटिव, तो कोई कंफ्यूज करेगा, अरे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों में तो है लेकिन दोनों में डिफरेंस बता देता है, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें वीक है। जैसे मिक्स किया तो ये क्या करेगा, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा, तो नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वीक हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे कोई पूछे वाटर पर अल्कोहल इथेनॉल पॉजिटिव डिविएशन, कोई कहे वाटर पर, ये बात ये समझ में आया कि जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो पहला ट्रिक याद रखो, अगर दो के हाइड्रोजन बॉन्ड में ज्यादा डिफरेंस हो उसमें बेस्ट एग्जांपल है वाटर एंड अल्कोहल। तो रट रट के नहीं पढ़ना है, ये नहीं, मैं टाइम बचाना चाहता ना तो सब एग्जांपल लिख देता कि याद कर लो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक एक एग्जांपल पर ट्रिक्स हो कि पॉजिटिव डिविएशन को कैसे पहचानेंगे। तो पॉजिटिव डिविएशन को पहचानने का मेन तरीका क्या है, कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद अगर नेट इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक हो जाए तो वो पॉजिटिव है। तो सर हम कैसे समझेंगे, तो पहला है अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल को पीते ही हो, याद रखने का तरीका, अल्कोहल को पीते हो तुम लोग पानी मिला दो तो वो पॉजिटिव डिविएशन, चाहे इसलिए नहीं देखते हो लोग अल्कोहल में पानी मिला के पीता थोड़ा कि असर कम हो, इसलिए याद रखो पॉजिटिव डिविएशन। बोलो बोलो, पहला एग्जांपल का सबको समझ में आया कि नहीं, सबको, दीपक कुमार तुम्हें आया, मार्शेख आया आपको, निगमत कोई है, निगमत कोई है, अल्लाह सबको समझ में आ रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आशा खानम को आ रहा है कि नहीं, चलिए मिटा दें। तो पहला एग्जाम्पल याद रखो वाटर एंड अल्कोहल, ओके ओके हम आप, थैंक यू वेरी मच। अब देखो दूसरा, दूसरा जब समझ जाओ ना तो जहाँ पे पढ़ा वहां ताली ठोकना, ताली ठोकना, ठोको ताली। और से सुनो, आपसे एग्जाम्पल को कैसे याद रखोगे, और से सुनो,
हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वन लिक्विड, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो। इधर सुनो, अभी नहीं तारीख ठोकने को कहा, पहले समझ लो फिर तारीख ठोकना। बिहारी हो जा, बगैर पढ़े हुए तारीख ठोक रहा है, गुंडा है। यहाँ देखे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वन लिक्विड एक में है और हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट इन एनादर लिक्विड। चलो एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जब तो मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जिसका एग्जांपल अभी दिया गया अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, सोकोटाली, उनको कोई कह देगा वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ईथर मिला दिए, ईथर तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अरे बोलो ना सारे लोग, बोलो ना अच्छे से, क्यों नहीं बोल रहे हो। तो दूसरी पहचान है कि एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो। इस तरह के एग्जांपल और बेसिक डेविएशन होंगे। बताओ सबको समझ में आ गया, जल्दी बोलो। दूसरा पहचान है हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वन लिक्विड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट इन अनदर लिक्विड। बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाल्लाह। शेर मां तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा ना, तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा होगा, तुम ताली क्या ठोकेगा रे मुंडा। एक बिहारी लिया है, नहीं ठोकेंगे मत ठोक बिहारी। उसके हाथ में दर्द हो जाएगा ना, अच्छी कमजोर है बिहारी। सही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी हड्डी कमजोर है। तो बताओ इस तरह के एग्जांपल, इंशाल्लाह विकास में इसको बोलो सारे लोग। सर देख रहे हो शेख फालतू बोल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वन लिक्विड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट इन अनदर लिक्विड। चलिए तीसरा पहचान देखो, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा भी है, ध्यान देना। तीसरा क्या है प्लीज देखो, तीसरा है देयर इज, मतलब बहुत सुनना, देयर इज लास्ट डिफरेंस इन द पोलैरिटी। बाहर बाहर सुनो, पोलैरिटी का मतलब चार्ज का आना, इन द पोलैरिटी ऑफ टू लिक्विड। अगर ये लैंग्वेज ना समझ में आया तो देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता, एक पोलर लिक्विड होना चाहिए और दूसरा नॉन पोलर। तो गौर से सुनो, पोलर में जानते हो ना डाइपोल, डाइपोल में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भी, जैसे मिक्स करोगे तो नेट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे तुम्हें कोई कहे कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज नॉन पोलर, इसको जैसे ही एसीटोन में मिक्स करोगे ये है पोलर, तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स नेट क्या है। उसी तरह समझो, जैसे एक में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक में नहीं होता है, तो जैसे मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी। उसी तरह समझो कि अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, जैसे पोलर में डालोगे तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स वीक हो जाएगा। अरे कुछ तो बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? यस सर। याद रखने का yes, sir. लिक्विड और एक नॉन पोलर लिक्विड। सर एक बात पूछनी है। पूछो पूछो सर। बोलो बोलो, समझ में आ गया तो बाबा करते रहो। सर पूछना था सर, अगर किसी पे प्लस फोर चार्ज हो और एक पे माइनस वन चार्ज हो तो भी ये पॉजिटिव डेविएशन होगा? ये
याद रखने का तरीका, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, तीसरा दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड में दाबे का डिफरेंस हो। याद रखो जब कहीं पर लार्ज या ग्रेटर डिफरेंस की बात होगी ना, तो वो मिक्स करने के बाद इंटर मॉलिकुलर फोर्स वीक हो ही जाएगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है बोलो? हाँ, जैसे एक एग्जांपल देखो, CCl4 नॉन पोलर, क्लोरो फॉर्म पोलर, देखो पोलर में इंटर मॉलिकुलर फोर्स स्ट्रांग, नॉन पोलर में भी मिक्स किए नेट वीक हो गया। अरे हाँ में हाँ मिलाओ, आज सबको समझ में आया कि नहीं? वाह सर वाह वाह वाह। आप कोई डाउट पूछना है? नहीं बस। कोहिनूर क्लियर सर, कोहिनूर क्लियर। आप बोलिए क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, बिल्कुल कोहिनूर क्लियर। कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट है बोलिए, किसी को डाउट है यहाँ पर? बोलो शेर मात्र में किसी को डाउट है? दीपक कुमार, आयशा खान, किसी को तीन एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं अनम्यूट नहीं यार, हंगामा होता है ना म्यूट करने का। किसी को डाउट है तो लिख कर भेज दे, मैं तो उस वक्त से तो बता ही रहा हूँ ना। किसी को डाउट है तो बताइए, मैं तो एक एक लड़के का स्टूडेंट का नाम ले लेके पूछता रहता हूँ। पार्थ खान कोई डाउट है? पार्थ खान किसी को डाउट है समझने में? सिंपल याद रखना है। नहीं नहीं अब तो सबको मैंने म्यूट कर दिया, सबको म्यूट कर दिया मैंने, अब आवाज नहीं आ रही होगी। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही आप लोगों को? पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अब तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा, बताओ। अब ठीक है ना? चलो ठीक है, हाँ चलो चलिए। अब आइए, हाँ और सुनिए, चार लाइन आपको याद रखना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे देखो पॉजिटिव डिविएशन का एक ही लाइन में आंसर, सॉल्यू सॉल्वेंट को मिक्स के बाद अगर इंटर मॉलिकुलर फोर्स वीक हो जाए तो वो पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा। आप देखें उसमें पहला एग्जाम्पल याद रखो, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो और दोनों में कार्बन का डिफरेंस, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर। दूसरा कि एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो। तीसरा बहुत आसान है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो दूसरे में ना हो। वैसे डायरेक्ट याद हो गया तुम्हारे सबको, क्लास के अंदर ही याद हो गया होगा। बोलो आप पे हम मिला धोखेबाजी। चौथा लास्ट लास्ट हिस्सा चौथा ये है, देखो देयर इज ग्रेटर डिफरेंस। देखो ये भी इसमें भी देखो ग्रेटर का वर्ड आया, देयर इज ग्रेटर डिफरेंस इन द मोलर मास ऑफ टू नॉन पोलर। और भी तुम्हें अच्छे से क्लिक दिखाने की जरूरत है। अब इसके अलावा तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, बोर्ड लेवल भी कॉम्पिटिशन लेवल। ये चार क्वेश्चन का आज के पढ़ लो क्या है। देखो इधर आंसर, तुम जानते हो कि वंडर वाल को प्रोजेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास। वही कहा गया एक का मोलर मास बात है, जैसे देखो CCl4 नॉन पोलर प्लस बेंजीन, ये भी नॉन पोलर, लेकिन जानते हो दोनों के मोलर मास में इसका 78 है, इसका जानते हो 4 इंटू इसका कितना है 4 इंटू 35 7 से भी 7 से भी 22
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन है x से बढ़ रहा है जल्दी जल्दी लिखो x से 0 xb1 xa1 xp0 यहां पर pb0 यहां पर pa0 स्ट्रेट लाइन होगा तो आइडियल और देखो ऊंच ऊपर से ड्रा कर दोगे ना ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया याद है नेगेटिव का भी बताया तो आइडियल से अगर ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन निकलिए सारे लोग जल्दी बोलो 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 जल्दी बोलो सारे लोग निकलिए हां जोगेंद्र सिंह समझ में आया सबको आया समझ में शीघ्र आइडियल से ऊपर से खींच दो और ये वाला हाई उठा दो धीरे-धीरे नीचे करते रहो आप देखो इसी में दूसरा भी ड्रा करना अच्छे से कि पूरा एक साथ कैसे दिखाओगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन xA xA0 xB1 xA1 xB0 pb0 pa0 ये आइडियल ये आइडियल ये आइडियल अब सबसे ऊपर से दिखा दो समझे तो आपको मालूम था ना ये pa था pa से ज्यादा पॉजिटिव ये pb था ये ps था कंपोनेंट से भी ज्यादा लिखा था ना पीए ग्रेटर दैन पीए नॉट एफ से तो ये पूरा आइडियल नॉन आइडियल खत्म हो गया जल्दी बताओ
चलो इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन करो. क्वेश्चन नंबर वन, द वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल. Is given by P total, tor में दिया हुआ है, second to 119 plus 154 HA. Calculate the vapor pressure of प्योर लिक्विड ए एंड बी. पहला क्वेश्चन है, मैं खुद करके दिखाऊंगा सारे लोगों को. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड लेवल पर भी दे देगा आपको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लिखो. क्वेश्चन लिखे कि नहीं सारे लोग ये पहले बताओ. क्वेश्चन तुम लोग लिखे कि नहीं लिखे. हाँ चलो आप सुनो अच्छे से, ये सारे लोग सुनिए अच्छे से. अच्छा कोई बंदा, अच्छा कोई बंदा बता सकता है मेथेनॉल और इथेनॉल, बताओ सारे लोग. ये आइडियल सॉल्यूशन है कि पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव, जल्दी से लिखकर दिखाओ. मेथेनॉल इथेनॉल जल्दी लिख के बताओ. आइडियल आइडियल कि नॉन आइडियल जल्दी बताओ. अच्छा सवाल यहाँ का है नेगेटिव. ओके 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 दो का आंसर दिया है, जल्दी बताओ ये आइडियल कि नॉन आइडियल. हाँ दिस इज आइडियल. अरे पढ़ाया नहीं था केमिकल नेचर सेम, एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ही कार्बन का डिफरेंस, मेथेनॉल इथेनॉल. कुछ लोग लिख रहे हैं नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन. हाँ बहुत सारे लोग ने आइडियल ही बताया, कुछ लोग नॉन आइडियल. अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया है. मेथेनॉल इथेनॉल बताया नहीं था, सेम केमिकल नेचर. अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत है. अल्कोहल अल्कोहल एक कार्बन का डिफरेंस आइडियल, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है. तो सुनो अच्छे से, पी टोटल क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन का, पी ए नॉट एच टू प्लस पी बी नॉट एच टू. क्यों आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे. आप सुनो अच्छे से, पी ए नॉट एक्स ए को सारे लोग देखो, क्वेश्चन में एक्स ए है तो इसको भी एक्स ए में ला के ब्रेक करो. पी बी नॉट एच पी को लिख सकते हो वन माइनस एक्स ए. तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए. अब क्या है, पी टोटल पी बी नॉट प्लस एक्स ए कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट. सुनो सारे लोग दोबारा अच्छे, अगर यहाँ एक्स बी दिया जाता तो एक्स ए को एक्स बी के फॉर्म में इस तरह तुम लाओगे. पहले बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में किसी को कुछ भी डाउट है? जोगिंदर सिंह, दीपक कुमार, जॉर्जने आनू, सोया परवीन, मा शेर, उमा फिरदौस, शीरीन, फहद, फरजन हसन, जल्दी जल्दी बताओ. इलाज अपने यहाँ तक आ गया, चलो यहाँ तक लिखो जल्दी से. ऐसा आना कोई डाउट है यहाँ से यहाँ पर? अगर एक्स बी होता तो एक्स बी देख देते. हाँ दौड़ते हाँ समझ में आया. चलिए यहाँ तक लिख लो सारे लोग, सारे लोग यहाँ तक लिख लो जल्दी से.
जिसकी भी पहली क्लास है वो टीटीएस में, रेहान आपकी पहली क्लास है क्या? रेहान समझ में कुछ आ रहा है? जिसकी भी पहली क्लास है वो ट्यूजडे थर्सडे में आए, आज ही के दिन 8 बजे रात में इसी मीटिंग आईडी पर क्लास होती है। रेहान आपकी पहली क्लास है क्या? अच्छा तो आप लगातार इसी में आते रहिए और पीछे से बैकअप लेते रहिए जिसको कोई परेशानी है तो। चलिए बताइए निकाल में इसको। आप देखें अब इस इक्वेशन से इसको आप रिलेट कीजिए। यहाँ देखो पीबी नॉट, अब देखो यहाँ पीबी नॉट क्या बता रहा, 119 cos, इसको इससे रिलेट कीजिए। पीए नॉट माइनस पीबी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154। तो पीए नॉट हो जाएगा 154 प्लस 119, तो आपको हो जाएगा 270 cos। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? इक्वेशन को रिलेट कर दीजिए। 119 किसके बराबर होगा? पीबी नॉट। पीए नॉट माइनस पीबी नॉट किसके बराबर होगा? 154। सच बताओ आया कि नहीं समझ में? जल्दी बोलो। तो दिस इज द आंसर। अरे जल्दी बोलिए आया कि नहीं आया? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ दीपक कुमार सबको समझ में आ गया? हाँ। ये जोगिंदर सिंह कौन है? उसकी पहली क्लास है क्या जोगिंदर सिंह की? जोगिंदर सिंह की पहली क्लास है क्या? तो तुम आते ही चैप्टर के बारे में क्यों पूछ रहा भाई? कब खत्म होगा? आया एक ही दिन हुआ, अभी तो बहुत बाकी है इसमें। एक तो रमजान चल रहा है, रमजान के बाद 1 से 2 घंटा का पीरियड होता है, तो रमजान में सिलेबस तो लो ही जाता है। नहीं तुम इसी चैप्टर में आते रहो, कोई बात नहीं है, माफ भी समझ रहा है। तुम टीटीएस 8 बजे वाला पैक ज्वाइन कर लो, टीटीएस 8 बजे वाला ज्वाइन कर लो, तो नया चैप्टर होगा, तुम याद आओगे। आते रहो, घर बैठने से क्या मेरी आवाज तो आएगी तुम्हें? इतनी अच्छी आवाज। अच्छा देखो शॉर्टकट में कैसे करोगे इसको? शॉर्टकट अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता तो हम कैसे करते? देखो अच्छे से सुनो, प्लीज सुनो। तुम क्या करते पहले बताओ, एक्स ए है वो बताओ सारे लोग। एक्स ए की वैल्यू 1, बताओ एक्स ए 1 होने का क्या मतलब हुआ? कि यहाँ पर क्या जाएगा? एक्स ए का मतलब हुआ एक्स बी क्या है? 0। तो याद रखो पी टोटल की जगह क्या आ जाएगा? पी ए नॉट। अब देखो 119 एक्स ए की वैल्यू 154 273 आ जाएगा, और एक्स ए की वैल्यू 0 रखो। एक्स ए या तो 1 रखो, एक्स ए या तो 0 रखो। सुनो दोबारा, एक्स ए 1 पी ए नॉट आएगा, क्योंकि प्योर ए ई है ही नहीं। अब बताओ एक्स ए 0 है तो यहाँ पर क्या जाएगा? पी बी नॉट। तो 0 रख दो, 1 1। देखो 1 मिनट में आंसर आ गया। खोखो ताली, खोखो ताली यार। एक्स ए 1 पी ए नॉट आएगा क्योंकि ए ही रहेगा, और एक्स ए 0 है तो पी बी नॉट आएगा। तो एक्स ए 1, एक्स ए की वैल्यू 1 डाल दो, 119 प्लस 154 273, तो पी ए नॉट 274 के बराबर आ गया। और एक्स ए जैसे 0 डालोगे तो 119 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? पी बी नॉट।
जिसको नहीं समझ में आ गया वो ताली मत ठोके, जिसको समझ में आ गया ताली ठोको भाई सारे लोग। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सत्तर बताओ किसी को डाउट है इसमें? एक्स ए वन तो प्योर ए, एक्स ए जीरो प्योर बी। तो ये सीजन मेथड समझा दिया। क्वेश्चन नंबर टू लिखो। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू मोल ऑफ ए, बी ए नॉट दिया हुआ है 150 टॉर एंड 3 मोल्स ऑफ बी, बी बी नॉट दिया हुआ है 200 टॉर is 120 टॉर। Select the correct statement. ए आपसे पूछेगा क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है, क्या ये पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ है, सी नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ है। अब जिस बेचारे को नहीं आ रहा जैसे शेख मान है, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, जिसको नहीं आ रहा वो कहेगा सर कैन नॉट डिटरमाइन, जिसको बेचारे को नहीं आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो देखो बोर्ड लेवल पर भी छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है। क्या तुम लोग कर लोगे कि मैं नहीं करूं, जल्दी बताओ। अच्छा फर्दर आसान, वाह वाह वेरी गुड। तो आगे आप चुपचाप बैठी रहिए, आपका आंसर गलत रहता है, चुपचाप बैठी रहिए, आप बस अपना रिवीजन करती रहे। दीपक कुमार आ रहा है समझ में? मुलायम फातिमा कौन है? निकट मुलायम फातिमा इज ऑल्सो कौन? निकट पहचान पहचान आ रहा है कि नहीं कुछ? और मेरा आपको आ रहा है? खुशी समझ में आ रहा है? शीबा रियाज जैना देवा पाकर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बाहर खान आ रहा है कि नहीं अच्छे से? बाहर खान प्लीज बोलो आ रहा है कि नहीं तुम्हें? जिसको भी रॉल्स लॉ दोबारा पढ़ना हो चले चेक कर लेते हैं, सारे लोग ध्यान दो एक बार गौर से सुनो। ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जो सी एक्सपेरिमेंटल 120 टॉर है, ये न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा, गिवन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में जो भी टोटल प्रेशर दिया रहेगा ये पढ़ना, गिवन इन द प्रॉब्लम जो दिया रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा। अब हम कैलकुलेटर निकाल लेंगे, ये कैलकुलेटर किससे? रॉल्स लॉ। तो पी ए नॉट 150 टॉर है, एक्स ए की वैल्यू 2/5 और 200 है 3/5, तो 5 3 60 + 5 4 120 180 टॉर आया। अब वहां पे सुनिए,
मैंने क्या लिखा था अगर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर लेस दैन ओ डाई कैलकुलेटेड से कम है इसका मतलब नेगेटिव क्रिएशन है पहली बात आइडियल नहीं है अगर बराबर आ जाता या चीजें यही लिखाया जाता नेगेटिव में तो अगर एक्सपेरिमेंटल कम आ गया तो कहेंगे इट इज नॉन एंगुलर नेगेटिव डेविएशन तो देखो इस तरह थ्योरी को न्यूमेरिकल अप्रोच के जरिए आपसे पूछेगा अगर बराबर आ जाता तो आइडियल है दीपक कुमार आया पास में तो सी ऑप्शन सही था सबको आया कि नहीं जल्दी बताइए ऐसा आना आपको आया समझ में हाँ ठीक है जिन्होंने बताया था अच्छी बात है जिन्होंने बताया अच्छी बात है आंसर रिलीज कर लीजिए अच्छा पैदान तुम्हें नहीं आया पैदान एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है और बस सुन रहा है कैलकुलेशन निकाल लो पी ए नॉट एक्स पे पी बी नॉट एक्स पी तो पी ए यहाँ कितना गया वन इक्की तो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटर से कम है तो वेपर प्रेशर अगर एक्सपेरिमेंटल कम हो जाए तो ये किसकी पहचान है नेगेटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन अगर पढ़े हो तो समझ में आएगा ये कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछो पैगाम कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटर से कम तो ये नेगेटिव डाटा होता तो पॉजिटिव हाँ कैलकुलेशन में कोई डाउट है पैगाम तो पूछो चलो एक लास्ट थ्योरी पढ़ो टॉपिक डालो रिलेशन बिटवीन हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ चलो पांच मिनट अभी कुछ नहीं बोलोगे सारे लोग समझोगे इसलिए लास्ट में पढ़ाया जा रहा है Relation between Henry's law and Rawls' law. Topic लिख लिए सारे लोग देखो इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाए लिक्विड सॉल्यूशन तीन होता है गैस इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड सारे लोग और सुनो यही तीन सॉल्यूशन पूरे चैप्टर में एनालाइज किया जा रहा है तो गैस इन लिक्विड में आपको मालूम है हेनरीज लॉ एप्लीकेबल हुआ था और लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड में कौन सा लॉ था रॉल्स लॉ ये जो मैंने लिखा ये सबको समझ में आया गैस इन लिक्विड हेनरीज लॉ लिक्विड इन लिक्विड रॉल्स लॉ सॉलिड इन लिक्विड रॉल्स लॉ इसलिए रॉल्स लॉ के दो स्टेटमेंट थे रॉल्स लॉ अभी भी किसी का टूटा हुआ है तो डीटीएस में 8 बजे पढ़ लेंगे अच्छे से दोबारा तो गैस इन लिक्विड हेनरीज लॉ अरे बताओ ये सबको समझ में आया यहाँ पर कोई भी पूछो लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड में कौन सा लॉ रॉल्स लॉ अब आइए कि दोनों लॉ में क्या रिलेशन है और सुनो दोनों लॉ में क्या रिलेशन तो देखो हेनरीज लॉ का क्या फॉर्मूला था पी इक्वल टू के एच पी ये गैस इन लिक्विड के लिए था और रॉल्स लॉ में क्या था पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स पी पी बी नॉट एक्स पी ये लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड के लिए था लिक्विड इन लिक्विड रहेगा तो दोनों का वेपर प्रेशर एक्सप्रेस होगा अब सॉलिड होगा तो केवल ये होगा तो यहां क्या था ये आपको मालूम है रॉल्स लॉ क्या बताता ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल लिक्विड ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया तो दोनों लॉ एक ही बात कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल वोलेटाइल जहां भी होगा उसका पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा वही कहा जा रहा है और सुनो अकॉर्डिंग टू और सुनो अकॉर्डिंग टू बोथ लॉ
दोनों लॉ क्या कहता है, एक ही बात कहता है, वो ये कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली, सारे लोग सुनिए अच्छे से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. But there, proportionality constant is different. क्यों पर एक में KH है, एक में PA नॉट या PB नॉट है, proportionality constant अलग अलग है. Concept एक ही है कि दोनों का partial pressure mole fraction पर depend किया. तो कंक्लूजन क्या है, पहले यहां तक सब लोग लिख लो, अकॉर्डिंग टू बोथ लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन बट देयर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज डिफरेंट. सब तक बताओ यहां तक यहाँ आया कि नहीं, तब मैं कंक्लूजन बताऊंगा. प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट का मतलब एक जगह के एच है और एक जगह पी ए नॉट पी बी नॉट है. चलो यहां तक लिख लो सारे लोग जल्दी से. अब आओ इससे क्या साबित हुआ, अब इससे क्या रिलेशन निकला, ये मैं बताऊंगा. यहां तक लिख लिए तो दोनों लॉ एक ही कहता है कि वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट डिफरेंट होगा. तो घबराइए मत, ये लिख लिया आप लोगों ने. अब आइए कंक्लूजन. इफ द, सारे लोग देखो, इफ द वैल्यू ऑफ के एच इज इक्वल टू पी ए नॉट, अगर के एच पी ए नॉट के बराबर हो जाए, देन राउल्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. तो आपको अब आपको क्या बोर्ड में पूछेगा कि अंडर विच कंडीशन राउल्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. तो बहुत सुनो, क्या कहना, जब केस किसके बराबर हो जाए, पी ए नॉट. केस पी बी नॉट नहीं लिख सकते, क्यों, पी यहां पर नॉट बोले पर हो सकता है, क्योंकि रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल है. ए का मतलब है सॉल्वेंट जो हमेशा वोलेटाइल हो. तो पॉइंट टू बी नोट, केएच इज इक्वल टू द पीए नॉट, देन रॉल्स लॉ बिकम्स द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज. तो आपसे पूछेगा अंडर विच कंडीशन रॉल्स लॉ बिकम्स द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. तो आप कहेगा इफ द वैल्यू ऑफ द केएच इज इक्वल टू पीए नॉट. तो कोई कहेगा कि ये पीबी नॉट के बराबर क्यों नहीं ले सकते, तो कहिए पीबी नॉट के बराबर लेंगे तो फिर स्पेशल केस नहीं होगा, क्योंकि पीबी लेंगे तो बी नॉन वोलेटाइल होता है और हेनरीज लॉ नॉन वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. हेनरीज लॉ गैस एंड लिक्विड के लिए वैलिड है, सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए पीए नॉट ही लिखना है. बताओ यहां तक आया कि नहीं लिखना है. ए अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा है, तो कोई भी कहे हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ में क्या डिफरेंस है, तो आप यही बताइएगा. कोई कहे क्या राउल्स लॉ हेनरीज लॉ के स्पेशल केस हो सकता है, कहे हो सकता है, कब, जब के पी ए नॉट के बराबर हो. आ पी बी नॉट आप नहीं ले सकते, पी बी नॉट में बी नॉट नॉन वोलेटाइल भी है. बोलिए आया कि नहीं आया, समझ की जल्दी बोलिए.
वेरी गुड। अब आगे बस एक लाइन लिखाने के बाद मैं छुट्टी दूंगा, यहाँ सारे लोग ध्यान दें। नेक्स्ट क्लास में सब लोग टाइमली आएंगे। एक बस एक पॉइंट को समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल खत्म। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बस दो मिनट में खत्म होगा। टॉपिक डालू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टॉपिक डालो जल्दी से। बहुत मिसलेनियस टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सारे लोग ध्यान दें। देखो एक बार और से सुनना, दो मिनट बाद दो फिर उसका छुट्टी हो जाएगी। सारे लोग सुनो, मान लो कि ये तुम्हारे पास कंटेनर है, इसमें लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। प्लीज सुनो अच्छे, और मैंने कहा था लिक्विड ए और बी, लिक्विड जब लिखा है तो समझो दोनों बोलेटाइल है। तो तुमको मालूम है जब दोनों बोलेटाइल है तो दोनों वेपर फेज में जाएगा। और अगर मुझे इस मिक्सचर से और लिक्विड मिक्सचर से हमें प्योर ए निकालना हो तो क्या करेंगे? और फिर सुना, हमें इससे प्योर कंपोनेंट को सेपरेट करना है। उसके दो तरीके हैं, दिमाग लगाओ। अगर दोनों वोलेटाइल है तो तुमको मालूम है ना, जो मोर वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, ये लाइन समझ आया? मोर वोलेटाइल मोर वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी बताओ या ध्यान दो। सारे लोग बताओ पहचान पहचान ध्यान कर लो। मोर वोलेटाइल मोर वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट का होगा कम। मोर वोलेटाइल वाला आसानी से वेपर दे रहा है। क्लियर है यहां तक? तो याद रखो अच्छे से सुनो, अगर ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस लगा है तो खुद सोचो। मान लो ए जो है वो मोर वोलेटाइल, तो बताओ वेपर फेज में भी ज्यादा कौन होगा? ए। तो जब दोनों में बॉइलिंग पॉइंट या वोलेटिलिटी नेचर का बहुत सारा डिफरेंस हो तो सिंपल बना लो इजी आपको, इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। जैसे किसी तुम दुकान पर गए, ए और बी दो आपने, जैसे लड़कियां घर लोग जो मार्केट में जाती हैं कपड़ा खरीद रहे हैं, अगर दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो आप अलग कर लेंगे, एक ही दफा में आप खरीद लेंगे। तो इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। हम कर रहे हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब ये हुआ, मान लो ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस है। मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री, एक का 63। तो अब वेपर में तो 60 ही दाखिल होगा लेकिन 63 भी तो है, तो फिर इसको हम डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? वेपर बनाओ फिर कूल करो, फिर हीट करो फिर कूल करो, करते करते इसको बहुत सारे स्टेप में करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल। जैसे किसी दुकान पे गए, दोनों एक ही तरह का मिल गया, इसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, परेशान हो जाते हैं, ये लें ये लें ये लें ये लें, टाइम लगता है, देन आप सेपरेट करते हैं, चलो भाई यही ले लेते हैं। भाई आ यहाँ पर अगर दो लिक्विड का मिक्सचर है, हमें उससे प्योर कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो दो बातें, अगर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो सिंपल डिस्टिलेशन, एक ही दफा हीट करो, जो मोर वोलेटाइल होगा उसको जमा कर दो, कलेक्ट कर दो। लेकिन अगर दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का कम डिफरेंस है, उसको डायरेक्ट एक दफा पे नहीं होगा, वेपर बना ली, अब इस वेपर में ए भी है बी है, प्योर नहीं है क्योंकि कम डिफरेंस, उसको क्या
ठंडा करके लिक्विड में डिस्टिल करो, लिक्विड में कन्वर्ट करो, फिर इसको हीट करो। तो जब हीट करते रहोगे तो एक अमाउंट बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा, आते आते 50 मिलेगा। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो द सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, द सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इनटू प्योर कंपोनेंट, इनटू प्योर कंपोनेंट हैविंग ए स्मॉल डिफरेंस, हैविंग ए स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, अगर दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा डिफरेंस हो तो वो उसको सेपरेट करना आसान है, सिंपल डिस्टिलेशन एक ही कपान हो जाएगा। लेकिन द सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इनटू प्योर कंपोनेंट हैविंग ए स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तब तक बताओ यहाँ तक आया या नहीं आया, जल्दी बोलो आया या नहीं आया। मुश्किल है, स्टेप वाइज करेंगे, हीट पुल कंटिन्यूअस करते 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 करके सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसको सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। चलिए आज मेरी तकरीर खत्म हुई, बात दबाना अलहमद।